हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज बना रही हूँ मैं एक कोल्ड ड्रिंक बना रही हूँ जो कि गर्मियों में इस्तेमाल होती है, और ख़ास तौर पर वो अगर आप रमज़ानों में बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए उसमें जो मतलब ये कोल्ड ड्रिंक बन रही है खीरे और लीमू से, तो मैं बनाती जाऊंगी और साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी कि मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये कोई इतनी ज़्यादा मतलब महंगी नहीं है, इसमें सिर्फ खीरे और लीमू का इस्तेमाल है जो मैं अब बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं खीरे को कट करूँगी, ये इसकी जो साइडें हैं ये मैं हटा दूँगी। फिर उसके बाद मैं इनका छिलका उतार दूँगी। इस तरह मैंने दो खीरे ले ली हैं और दोनों का एक ही साइज है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये ग्राइंडर है, तो इसमें जो है मैं तकरीबन 3 3 गिलास पानी डालूंगी। ये एक, ये दो। तो इसमें जो है मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया, और ये जितना मैंने खीरा कट किया था उसको मैं इसमें डाल के इसको ग्राइंड करूंगी। तो अब जो है ये सारा खीरा जो है मैं इसमें डालूंगी। खीरा मैंने इस पानी में डाल दिया है और इसको जो है मैं 5 मिनट तक इसको ग्राइंड करूंगी। तो खीरा जो है हमारा देखें सारा ग्राइंड हो गया, और आपने देखा इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम जो है लीमू का इस्तेमाल करेंगे, वो मैं तो ये 3 लीमू ले लिए थे, इनको जो है मैं इस तरह से काटूंगी। ये लीमू मैंने काट लिए हैं, और ये 8 चम्मच चीनी है। तो चीनी जो है वो मैं पहले इनका रस निकाल लूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। तो इन सारे लीमू का जो है हम रस निकालेंगे। कभी कभी हाथ से गिर भी जाता है, पता डब्बा तुम्हें। जो है 3 लीमू का रस है, और इसमें जो मैं चीनी डालूंगी ये 8 चम्मच चीनी है। तो ये सारी चीनी इसमें डाल के मैं और इसको मिक्स करूंगी। जब तक ये पूरी हल नहीं हो जाएगी उस वक्त तक मैं इसको मिक्स नहीं करूंगी खीरे के रस में। तो लीमू निचोड़ने के बाद इसमें मैंने जो 8 चम्मच चीनी डाली जिसको मैंने अच्छे से घोल दिया है, अब जो है इसको मैं एक दफ़ा और ग्राइंडर को घुमाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ड्रिंक तैयार कर रही हूँ मैं। तो अब इसको जो है मैं इस छन्नी से छानूंगी। तो इसको छानने से ये होगा कि खीरे का जो पल्प है ना सारा, वो हम उसको जो है हटा देंगे, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका जूस चाहिए और बस। तो इस तरह से इसको जो है हमने, ताकि इसका जो रस है वो सारा निकल जाए। और चलो रस को रिमूव कर लिया और सारा। तो अब इसमें जो है मैं ये लीमू का रस और जो इसमें मैंने जो शक्कर घोली थी वो अब मैं इसमें डाल रही हूँ, इन सब को मिक्स करूँगी। अब इसमें जो है मैं बर्फ डालूंगी, जो बर्फ डालना चाहते हैं वो डाल लें, जो नहीं डालना चाहते वो नहीं डालें। तो ये कि मैं
बर्फ के क्यूब्स इस तरह से डालें। ये कि अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेट इसको डेकोरेट करेंगे इस तरह से। और एक लेमन सरमन थोड़ा है इसमें। और अब हम जो है बना